नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आपको अभी जहां हम मौजूद हैं यह आपको याद आता होगा, यही पुल है। हम पिछले दिनों भी दिखाए थे कि यह पुल हिल रहा है। देख लीजिए किस प्रकार से हिल रहा है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि यह जो पुल है यह फुलडोभी में अवस्थित है और यह गेराबाड़ी बाजार को मोरसंडा से जोड़ता है। हमने इसको दिखाया और हम बहुत खुशी के साथ कह रहे हैं कि हमने 26 तारीख को यह वीडियो बनाया था और 28 तारीख को यहाँ की माननीय विधायक कविता पासवान जी हमारे वीडियो को देखकर इन्होंने माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री महोदय से इन्होंने मिली, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इनको इस पुल को बनाने हेतु जो अपने लेटर पैड पे एक आवेदन होता है उन्होंने दिया है, और मंत्री साहब ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक मैडम को कहा है कि यह यथाशीघ्र जितना जल्दी होगा यह पुल का निर्माण करवाया जाएगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारा सहस्त्र न्यूज या मैं अगर किसी वीडियो को बनाता हूँ और उस पर कार्रवाई होती है तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। एक दो और वाक्या हम आपको बता देते हैं। पिछले दिनों एक हमने मड़वा का एक अस्पताल का वीडियो भी बनाया था और आप देख लीजिए कि माननीय विधायिका जो हमारी कोढ़ा की है कविता पासवान जी, उन्होंने इस चीज़ पर संज्ञान लिया और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे उन्होंने मिला। मिलने के बाद उनको भी एक आवेदन दिया और मंगल पांडे जी ने भी इनको आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र ही मड़वा का जो अस्पताल है उस पर उसका रंग रोगन किया जाएगा और यथासंभव जो भी हो सकता है वो कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है और हमको लगा कि अगर हमारे इस न्यूज़ से अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए जो भी फोटो है मंगल पांडे जी से या ग्रामीण कार्य मंत्री के साथ जो मैडम का फोटो है, साथ में वो लेटर पैड भी है जिस पर विधायिका ने जो भी चीज़ है उनको बताया है लिखित रूप में। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इस पुल के बारे में भी मैडम ने कहा है और जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी उनको आश्वस्त किया है कि यथासंभव जो भी होगा यथाशीघ्र ही इस पुल के लिए किया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि अच्छे जो कार्य करते हैं, सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग आज भी हैं, और हमको अच्छा लगा कि मैडम ने हमारे वीडियो को देखकर सहस्त्र न्यूज के कार्य को देखकर उस पर त्वरित कार्रवाई की और इस पर संज्ञान लिया। इसीलिए इस चीज़ के लिए हम कहना चाहते हैं कि इसी तरह हम ग्रामीणों का, हम लोगों का ये चीज़ जो भी असुविधा होता है अगर मैडम देखती है और इस चीज़ को करती है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के मैडम के लिए हम कहते हैं, मैडम आपने बहुत अच्छा कार्य किया और इसी तरह कोढ़ावासियों के लिए आप काम करते रहिए, यही हमारी भी कामना है।